आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपना YouTube चैनल वेरीफाई कैसे करते हैं। और दोस्तों, YouTube चैनल वेरीफाई करने के फायदे क्या होते हैं? दोस्तों, YouTube चैनल वेरीफाई के फायदे ये होते हैं कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और आपको कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। और जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, और दोस्तों, आप 15 मिनट से बड़ी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको कि चैनल अपना वेरीफाई कैसे करते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके यूट्यूब सर्च करके डेस्कटॉप साइट कर देना है। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो उसके बाद दोस्तों, आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं योर चैनल। तो सिंपली से आपको योर चैनल पे क्लिक कर देना होगा। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली से दोस्तों, आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना होगा। दोस्तों, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की ओर सेटिंग का ऑप्शन है। तो सिंपली से दोस्तों, आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको चैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर एलिजिबिलिटी। तो सिंपली दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट फीचर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई फोन नंबर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर कंट्री। तो मेरा इंडिया है, तो इंडिया ही रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो दोस्तों, मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों, आपको गेट कोड पे क्लिक कर देना होगा। गेट कोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का कोड गया होगा, उसको आपको लाके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आया था, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन, योर फोन नंबर हैज़ नाउ बीन वेरीफाइड। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।